यार आज हमारे बारे में घर पर बात करो ना प्लीज। चलो ठीक है, मैं भैया से बात करती हूँ। ओके बाय बाय। यार पता नहीं इसके भैया मानेंगे या नहीं। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, उसके भैया मान जाएंगे। बनके यकीन। हेलो, वो लड़का ना हमारी बहन के लिए ठीक नहीं है। अरे वो उसको धोखा दे रहा है यार। हाँ ठीक है, कल देखते हैं उसको। बाय। बेबी तुमने हमारे बारे में घर पर बात की? हाँ, मैंने भैया से बात करी और भैया मान गए। हैं? पर भैया तो हमारी शादी के खिलाफ थे। नहीं भैया, आज तुमसे मिलने आए। पर ऐसा हुआ नहीं। अरे भैया आ गए। अरे छोटी तू घर जा, मैं इससे अच्छे से बात कर आता हूँ। भैया आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया, पर अब जो तेरे साथ होगा वो अच्छा नहीं होगा। मैं जहाँ रहता हूँ उसके प्यार में रहता हूँ, उसके बदन की खुशबू के खुमार में रहता हूँ। मेरा ख्याल आएगा तो शायद पुकारेगी मुझको, मेरा ख्याल आएगा तो शायद पुकारेगी मुझको, यही सोचकर उसके फोन के इंतजार में रहता हूँ। बेबी आज शॉपिंग पे चले। अरे मैं पैसे नहीं जा सकते हम लोग। तुम्हारा हर टाइम का ही है, कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते, मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ। भाई जब तक तेरे पास पैसा है ना, ये बोलेगी मेरा बाबू कैसा है। बंदी है मेरी, बहन है मेरी। भैया बन्ने 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 हैं हम उसके, हम पे किसका। भाई तूने इसको क्यों मार दिया? अबे मेरी बहन है वो। भाई मेरी जगह कोई और होती तो। सब्जी वाला इतना अमीर होता है ना कि धनिया मिर्ची भी फ्री में दे देता है, और बड़े मॉल वाले इतने गरीब कि कैरी बैग के भी पैसे ले लेते हैं। एक बात कहूँ? हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खास ये सच होता। अगर कोई तुमसे बार बार गुस्सा होता है ना, तुमसे लड़ता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें तंग करता है और फिर तुम्हें सॉरी कहता है, इसका सिंपली ये मतलब है ना कि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। हम खराब लोगों में ना एक खूबी होती है, हम मुसीबत में काम आ जाते हैं।